हे गाइस, आज के टाइम में हर कोई फोटो एडिटिंग करना चाहता है लाइटरूम में। तो क्या होता है, लाइटरूम में फोटो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। कलर टोन, बैकग्राउंड टोन, ये सब मैच करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं डेविड आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, जिस ट्रिक से आप बहुत आसान तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक को भी ठोक देना। तो गाइस, आपको ट्रिक दिखाने के लिए फोन के स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो चलता हूँ फोन के स्क्रीन में। हे गाइस, तो आपको क्या करना है, लाइटरूम को पहले ओपन कर लेना है और जो भी फोटो आप एडिटिंग करने जा रहे हो उसी फोटो को लाइटरूम में पहले शेयर कर लेना है। तो गाइस, आपको ट्रिक दिखा देता हूँ कैसे काम करना है, एक क्लिक में एडिट हो जाएगा। हाँ गाइस, और गाइस अगर आपने लाइटरूम को अपडेट नहीं किया तो अपडेट जरूर कर लेना। तो आपको इस साइड में डिस्कवर दिख रहा है, तो डिस्कवर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हज़ारों फोटो मिल जाएगा, हर फोटो एडिटिंग फोटो है। तो आपको एक अच्छा फोटो ढूंढना है जो एडिटिंग आपको अच्छा लगे, बैकग्राउंड अच्छा दिखने वाला फोटो आपको चाहिए। तो गाइस, आप ऐसे देख सकते हो कौन सा फोटो आपको अच्छा लगे, कौन सा एडिटिंग अच्छा लगे। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। और गाइस, आपको इधर जो ऑप्शन दिख रहा है फॉर यू न्यू फ्लोइंग, तो आप फॉलो जो करोगे उसका एडिटिंग आप रोज़ देख सकते हो। और न्यू पर क्लिक करोगे और भी आएगा। तो फॉर यू पर मैं देखता हूँ, फॉर यू पर मैं अच्छा फोटो ढूंढ कर निकलता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो इधर एक लड़के वाला फोटो है, इसका मैं एडिटिंग देखता हूँ कैसा होता है। तो गाइस, ऐसे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद जो एडिटिंग है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर इधर एडिटिंग दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट जो दिखाई दे रहा है थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन एडिट्स पर क्लिक करना है। तो गाइस, ये जो एडिटिंग है ओपन हो गया। तो आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग जो दिख रहा है आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है और टूल्स पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको डन कर देना है। तो गाइस, ये तो कॉपी हो गया। तो आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, लाइब्रेरी पर जाना है। तो ऑल्स फोटो, आपका फोटो इधर ही होगा तो आपका फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हो ये फोटो मेरा बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं किया, एकदम बेकार लग रहा है। तो इस पर पेस्ट करके देखता हूँ कैसा होता है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग आपको दिख रहा है तो क्लिक करना है। तो गाइस, देख सकते हो एक क्लिक में एडिट हो गया। पर अगर आपका फेस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इस साइड से आप शार्पनेस को बढ़ा सकते हो, नाइस एडिटिंग को बढ़ा सकते हो, तो फोटो और मज़ेदार लगेगा। आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो अभी फोटो का लुक। एक बार कॉपी करने के बाद और भी फोटो पर आप पेस्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। और एक फोटो पर कैसा लगता है फोटो एडिटिंग, इस फोटो में तो काम हो गया, अच्छा ही लग रहा है। तो और बैकग्राउंड पर देखता हूँ, बैकग्राउंड हिसाब से एडिटिंग होता है। तो गाइस, इस फोटो पर ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है। तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग। गाइस, इस फोटो पर ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं किया, ऑटो करके देखता हूँ अभी होगा। गाइस, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है अभी। थोड़ा एक्सपोजर आप बढ़ा दोगे तो भी और मज़ेदार लगेगा। तो गाइस, देख सकते हो ऑटो करने के बाद ये भी हो गया। तो गाइस, बैक चलता हूँ। तो ट्रिक तो काम हो गया। और एक बात आपको दिखाया था गाइस, डिस्कवर पर जाने के बाद आप क्या करोगे, जो एडिटिंग आपको अच्छा लगे, मैं ये एडिटिंग पेस्ट करके देखा तो अच्छा लगा, तो इसी को क्या करूँगा, क्लोज कर देता हूँ। तो इसी को क्या करूँगा, लाइक कर दूँगा। लाइक कर दोगे तो क्या होगा, आपका आईडी में जाओगे, तो जाने के बाद आप एडिटिंग दिख रहा है, अवार्ड दिख रहा है, फ्लोइंग दिख रहा है, फॉलोअर्स दिख रहा है, तो लाइक भी है इधर। जो जो फोटो आप लाइक करोगे वो सब फोटो इधर रहेगा। तो आप देख सकते हो मैं बहुत सारी फोटो को लाइक करके रखा हूँ। तो आपको भी ऐसे करके रखना है। तो ऐसे करके रखोगे तो आप लाइटरूम में कभी भी आओगे तो उस फोटो को कॉपी कर सकते हो। और गाइस, और एक बात, कुछ ऐसा भी फोटो है जो कॉपी नहीं होता, आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो कॉपी नहीं होगा, थ्री डॉट पर जाने के बाद देख रहे हो आपको ओपन एडिट्स, फिर से थ्री डॉट ऑप्शन नहीं है। तो कुछ फोटो आपको ढूंढना है, जो फोटो मज़ेदार एडिटिंग वाला फोटो आपको ढूंढकर उसी फोटो को कॉपी कर लेना है। तो गाइस, अगर ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना, सो मिलते हैं और एक वीडियो।